If A is greater than B and B is greater than C, then इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन पर इनको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नंबर लाइन पर इजीली कंप्रिहेंड किए जा सकते हैं. A इज ग्रेटर देन B, इट्स मीन A राइट साइड पर होगा और B लेफ्ट साइड पर. क्योंकि A ग्रेटर है B से, इसलिए हमने इसको राइट साइड पर रखा है. फिर नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, B इज ग्रेटर देन C, B ग्रेटर है और C इसके मुकाबले में स्मॉलर है, तो C लेफ्ट साइड पर आएगा. अब ये तीनों इनइक्वालिटीज, दोनों इनइक्वालिटीज मिलकर तीनों पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग चुकी है कि A किधर होगा, B किधर होगा और C किधर होगा. अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. A इज इक्वल टू C, रॉन्ग, क्योंकि A और C का इक्वालिटी का रिलेशन नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि B दरमियान में आ रहा है और B से छोटा है C और A बड़ा है B से, इसलिए इक्वालिटी नहीं हो सकती. B इज लेस देन C, B इज ग्रेटर देन C, क्योंकि B राइट साइड पर है और C लेफ्ट साइड पर, इसलिए ये भी गलत है. C इज लेस देन A, यस, C लेफ्ट साइड पर है और A राइट साइड पर, A ग्रेटर है C से, इसलिए ये करेक्ट है. A इज इक्वल टू B, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनइक्वालिटी दी गई है जिसमें इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है. आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन.